ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਚੁੱਕੇ ਹਿਤਨ ਆਲ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜੌਹਰ ਜਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਕਿ ਜਸੀਮਨ ਸਦਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੂਵੀ ਥੀ ਮੇਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਮੈਨ ਜੋ ਅਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਫੈਬ ਕੋ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਕੇ ਬਚਪਨ ਕਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮਨੋਜ ਝਾ ਔਰ ਡੀ ਓ ਪੀ ਹੈ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੈਨੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਏਕ ਲੜਕੀ ਕੋ ਦੇਖਾ ਤੋ ਐਸਾ ਲਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧੂ ਵਿਨੋਦ ਚੋਪੜਾ ਫਿਲਮਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਚੋਪੜਾ ਮੈਮ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਠਾਕੁਰਗੰਜ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਉਸਮੇ ਵੀ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਝਾ ਤੋ ਆਪ ਕਿਤਨੀ ਕਲਾਸ ਮੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਥੇ ਜਬ ਸੇ ਆਪਕੋ ਯੇ ਟੈਲੈਂਟ ਕਾ ਜਬ ਮੈਂ 6 ਇਅਰਸ ਕਾ ਥਾ ਤਬ ਮੈਨੇ ਦੰਗਲ ਕਰੀ ਥੀ ਦੰਗਲ ਕਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਤਾਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਦੰਗਲ ਕਰੀ ਥੀ ਜਬ ਮੈਂ 6 ਇਅਰਸ ਕਾ ਥਾ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਮੈਨ ਕਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤਬ 5th ਕਾ ਥਾ 5th ਮੇ ਥਾ ਜਬ ਮੈਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਮੈਨ ਕਰੀ ਔਰ ਜਬ ਮੈਨੇ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤ ਕਰੀ ਤਬ ਮੈਂ 4th ਮੇ ਥਾ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਠਾਕੁਰਗੰਜ ਕਰੀ ਤਾਂ 6th ਮੇ ਥਾ ਤੋ ਜੋ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਟੈਲੈਂਟ ਥਾ ਯੇ ਕਬ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ स्कूल के वक्त मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता होता था स्कूल के वक्त मैं ऐसी स्टेज पेस करता था लेकिन उसके दरमियान मेरे को वो मिली थी दंगल मूवी दंगल किया उसके बाद जाकर एक और मिली फिर वहाँ से मेरा शौक बढ़ता गया कि एक्टिंग ही करनी है और एक्टिंग लाइन में आगे जाना है जो स्टेज स्कूल की स्टेज परफॉर्मेंस होती थी वो कैसे होती थी उसको बयान करिए कि वो बताइए कि कॉमेडी कैसे करते थे मैं अभी सरस्वती मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ लेकिन पहले मैं जीजस सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ता था और वहाँ पे मैं स्टेज पे करता होता था जैसे मेरे को स्क्रिप्ट मिल जाती होती थी कि तेन ऑल आपने ना आज स्टेज पे आपने ये एंकरिंग करनी है ये स्टैंड अप कॉमेडी आप खुद से बना लेंगे नहीं तो हम आपको लिख कर दे देंगे तो बस वो लर्न करके बोलना होता था स्टेज पे कैसे जैसे वाह 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 वा, बड़े पढ़े लिखे लोग आए हैं ये मेरी लाइन वहीं से दिखी थी जीजा सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरा थोड़ा सा करके दिखाइए ना कि आपके दर्शकों को भी पता चले कि आपका कॉमेडी का टैलेंट कैसा है अरे वाह 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 बड़े पढ़े लिखे लोग आए हैं क्यों ना हो आज की जनरेशन इतनी स्मार्ट है तो स्मार्ट जनरेशन के ऊपर स्मार्ट मॉम्स के बारे में नजर डालते हैं यानी कि पंजाबी मॉम्स और फॉरनर मॉम्स के बारे में जब छोटा बच्चा फॉरनर मॉम्स को मिलता है तो फॉरनर मॉम्स कहती है ओहो कितना प्यारा बच्चा है सो स्वीट अगर पंजाबी मॉम्स को मिले पहले तो बच्चे की गाल ही नोच लेंगी फिर कहेंगी ओ नहीं मैंने कोने मोने एक जब फीता दे दे बच्चा भी कहता है अरे यार कहाँ फंस गया कुछ दिन नहीं मेरा दोस्त अमेरिका से आया उसकी मम्मा ने पूछा हमसे कि आप बेटा मैं नेक्स्ट रूम में बैठी हूँ अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना तो उधर आ जाना इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी जैसे उनके मुंह में स्वीट्स रखी हूँ और अगर पंजाबी मॉम्स का बच्चा अच्छा भला पढ़ भी रहा होगा लेकिन फिर भी कहेंगी वे तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ रहा है कि किताबों में फोन ताले छुपा लिया इना दे फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप ही नहीं खत्म होंगे आ लैंड दे अज पापा जे मैं नहीं पता है ना मेरा नाम भी बलबीर कौर नहीं बच्चा भी कहता है अरे यार एक तो एग्जाम की टेंशन अब पता नहीं पापा को क्या भड़काएंगी जब छोटा बच्चा होता है तो फॉरनर मॉम्स कहती है आज मेरे बच्चे का बर्थडे है क्या चाहिए बच्चे को मॉल घुमाऊंगी प्ले स्टेशन दूंगी क्या चाहिए और अगर पंजाबी मॉम्स का बच्चा बोलता है मम्मी मम्मा आज मेरा बर्थडे क्या लेकर दोगे तो पंजाबी मॉम्स बोलती है वड्डा आया बर्थडे गिफ्ट लैन वाला बड़े वधिया नंबर लाए ऐसे पेपरों में चल जाके पढ़ाई कर वड्डा आया बर्थडे पार्टी करने वाला ये थी मेरी थोड़ी सी एक पेशकश पेशकश तो ऐसे है कि जो आपने पिक्चर्स की है उसमें जो सीन्स आए हैं जो कुछ डायलॉग हैं उसमें से कुछ अच्छा सा डायलॉग जो आपने था मैं सिर्फ ना अपने नशे से ही प्यार है हमसे नहीं मम्मा शराब इतनी बुरी चीज है तो पापा क्यों पीते हैं तो आगे क्या और टारगेट है क्या सोच है सोच है कि सलमान खान सर के साथ एक बार स्क्रीन शेयर करने को मिल जाए मेरे लिए तो वही बहुत है तो अभी तक किन किन ऐसे जो अदाकार हैं बड़े पिक्चर पर्दे पे तो उसके दरमियान कौन कौन से मिले हैं जेंट्स के साथ साथ लेडीज बिल्कुल जो प्रिया मैम मिली है जो नाटक में आते हैं नंदित सर मिले हैं जो नाटक में आते हैं जिम्मी शेरगिल सर और आमिर खान सर और आमिर खान बस तो यहाँ तक आपने एक्टिंग का सवाल है कि लुधियाना से बाहर भी आपको रहना पड़ा हाँ तो उसमें किस किस की हेल्प रही आप एक तो मम्मा की एक नानी की और एक पापा की तो नानी ने क्या क्या किया नानी ऐसे पापा का बिजनेस होता है तो पापा तो जा नहीं सकते और मम्मा को अकेले जाने में डर लगता होता था कि अकेले कहाँ जाऊंगी
और तो पापा की खुद की फैक्ट्री थी तो पापा को डर लगता होता था, तो नानी का बहुत सपोर्ट था कि मैं चल पी तेरे साथ, तू डर क्यों रही है, बस नानी ही मेरी मदद करते थे। कई बार तो मम्मा कैंसिल कर देते थे, अब जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि ऑडिशन थे, मम्मा ने कहा नहीं जाऊँगी, पापा बिजी थे फैक्ट्री में, मैं कैसे जाऊँगी, तो नानी ने कहा तू चल मेरे साथ, डरने की क्या बात है। तो नानी हमेशा मेरे साथ रहे और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और सबसे ज़्यादा मेरे मामू ने सपोर्ट किया। हितेन मेरा बेटा है, ठीक है जी, मैं इसकी मम्मा, और ये इसकी दो अपकमिंग मूवीज़ आ रही हैं, चौहान द स्ट्रगलिंग मैन एंड एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ठीक है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा 1 फरवरी को आ रही है, और चौहान द स्ट्रगलिंग मैन वो 7 फरवरी को आ रही है। कैसे शुरुआत सर इसकी हुई दंगल मूवी से, जिसमें इसका 16 सेकंड का एक करेक्टर है, और वहाँ पे इसने लुधियाना में उसके ऑडिशन दिए थे लाइक गुरु नानक भवन में, और ऑडिशन देने के बाद थ्री मंथ्स के बाद मुझे कॉल आता है कि हितेन की सिलेक्शन हो चुकी है, तो आई वाज वेरी मच हैप्पी कि इसकी सिलेक्शन हुई आमिर खान प्रोडक्शन, द फर्स्ट प्रोडक्शन इज़ आमिर खान प्रोडक्शन, तो वो बहुत खुशी का मोमेंट था, प्राउड मोमेंट था, चाहे वो 16 सेकंड का था बट लेकिन सीन, बट एक खुशी थी कि हाँ मूवी में इस चौहान में कितने सेकंड्स का है? चौहान में सर ये मेजर रोल में है, जिमी सर के बचपन का करेक्टर प्ले कर रहा है, 25-30 मिनट्स का इसका करेक्टर है, और एक सॉन्ग भी है इसका। प्लीज फॉक्स पंजाबी को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि मैं आपको दिखता रहूँ, और मेरी मूवी आ रही है चौहान द स्ट्रगलिंग मैन 7 फरवरी को, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा 1 फरवरी को जरूर देखिएगा। लुधियाना तो गुरमीत निजर की रिपोर्ट, कैमरामैन विकास के नाल, फॉक्स.पंजाबी, योर सिटी योर न्यूज़।